वॉइस ऑफ फार्मासिस्ट, आज मैं एक ऐसे शख्स से आप लोगों को मिलाना चाहता हूँ जो फार्मा क्षेत्र में कई सारे काम किए हों, वो एक स्टेट में नहीं काफ़ी सारे स्टेट में, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, हर स्टेट में उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया फार्मा के हित में और कई सारे पॉजिटिव इफेक्ट भी दिया, जो चीज़ जो हमारे फार्मेसी एक्ट रेगुलेशन में जिस की आवश्यकता थी। तो आज हम आपसे आज उस शख्स से मिलाना चाहते हैं जो फार्मेसी के क्षेत्र में नाम ही नहीं, एक लोगों को मोटिवेशन जो कह सकते हैं आप, लोगों को एक जो लोगों को मन में जो सवाल थी, जो काफ़ी सारी चीज़ें जो उन्होंने जो फार्मेसी के हित में होनी चाहिए उन्होंने कार्य किया है। तो आपसे मैं मिलाना चाहता हूँ विनय कुमार भारती, जो आपसे मिलिए आप। तो विनय भारती जी, आप लोग हेलो ऑल, और थैंक यू रोहित, थैंक यू फार्मासिस्ट की आवाज़ पे आप, मैं पूरे फार्मासिस्ट की आवाज़ टीम का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पे हमें अपने फार्मासिस्ट मित्रों के साथ इंटरेक्ट होने का मौका मिल रहा है इस पेज पे। सबसे पहले तो थैंक यू रोहित एंड थैंक यू टीम एंड यू एंड लाइकर्स हैं। पर्सनली मैं भी इस पेज पे कुछ कुछ लिखता रहता हूँ, मुझे कई बार मौका मिला है यहाँ कुछ पेज से शेयर करने का मौका, तो आई एम वेरी मच इंटरेक्टेड एंड थैंक्स टू यू पीपल। मुझे पता चला कि रोहित आपके इस पेज पे 10,000 लाइक्स से ऊपर हो गए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल एंड थैंक यू ऑल यू पीपल, कीप सपोर्टिंग फार्मासिस्ट की आवाज़। या तो ये रिकॉर्डिंग में है ना? यस हाँ हाँ। तो विनय भारती जी, मेरा आप सवाल है कि आपने फार्मेसी के जो हैं उन्होंने काफ़ी सारे काम किए, हर स्टेट में आपने एक्टिविटीज़ किया, चाहे वो झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, यूपी हो या बिहार हो, हर राज्य में आपने बहुत अच्छे से काफ़ी एक्टिविटीज़ किया, तो इस एक्टिविटी से क्या लगता है कि फार्मेसी के क्षेत्र में कुछ सुधार आ सकता है? बिकॉज बहुत सारे जो फार्मासिस्ट मित्र हैं उनके कई सारे सवाल हैं कि शायद कुछ होगा कि नहीं, ये सब चीज़ों से कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि हमेशा इस चीज़ें आती रहती हैं, तो आपका क्या कहना है? रोहित, सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का ऑनलाइन आंसर ही देख करके यहाँ पे खत्म कर लेता हूँ। हम इतने सवाल क्यों पूछते हैं? वाई यू पीपल आर सो क्वेश्चनिंग कि हमारे फार्मासिस्ट के, मैं भी अक्सर सोशल मीडिया फॉलोअर्स है वो पूछते हैं कि हमारे फार्मा फील्ड में कुछ होगा कि नहीं। हम ये क्यों नहीं कहते कि हम कुछ करते हैं या नहीं? हम ये क्यों देख रहे हैं कि हम किसी के भरोसे क्यों हैं? हमारा देश का फार्मासिस्ट इतना कमज़ोर क्यों है? हम दूसरे के भरोसे या किसी और के भरोसे क्यों हैं? हमारी सरकार कोई, हमारा फार्मा सेक्टर कोई और ही चला रहा है? आप देखें ना कि हमारा फार्मा सेक्टर कौन चला रहा है। आप रिटेल सेक्टर की बात करें रोहित, हमारा पूरा का पूरा 90% रिटेल जो है, यू कांट इमेजिन कि 90% से ज़्यादा रिटेल सेक्टर में ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी दवाइयों की ABCD नहीं पढ़ी। ये पूरा का पूरा जो रिटेल सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, डिस्ट्रीब्यूशन है, सेल है, मार्केटिंग है, रिसर्च है, ये सारा का सारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर हमारा है। तो यहाँ पे 90% भागीदारी तो हमारी होनी चाहिए था। तो हम उतनी मेहनत करके आए, हमने पढ़ाइयाँ, मैं हमेशा एक बात अपने लोगों को बोलता हूँ, अक्सर शेयर करता हूँ कि आपको इस बात के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि हमने 4 साल पढ़ाई की, हमने 2 साल पढ़ाई की, हमने 5 साल पढ़ाई की, फॉर्म डी जैसे कोर्सेस सब आ गए हैं, तो ये किसके लिए आए हैं? अब हम जब फार्म डी इंडिया में आ गया तो हम क्या बोले, या फार्म डी ये 10वीं फेल लोग अब जा करके फार्म डी वाला काम करेंगे, जो हाल इन्होंने डिप्लोमा का किया, डिग्री का किया, बी का, एम तक का कर रखा है कि, तो हम ये पूरा का पूरा सेक्टर हमारा है। और डू नॉट ट्रस्ट ऑन एनी वन, इवन डू नॉट ट्रस्ट ऑन मी, विल यू ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ? क्या हमारा देश का फार्मासिस्ट अपने आप के ऊपर उसका खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है? तो ये हमारे लिए शर्म की बात है, डूब मरने के लिए बात है कि हम अपना फार्मा सेक्टर छोड़ करके हम कहीं और काम कर रहे हैं। मैं बताऊं रोहित कि हम लोग जब भी बाहर कैंप करते हैं तो हम लोग 2-3 बातें बड़े आराम से बोलते हैं कि हम लोग तो घर वापसी अभियान चला रहे हैं कि मेरे प्यारे फार्मासिस्ट साथियों वापस घर लौट करके आओ। ये फार्मा सेक्टर, ये $1.2 बिलियन की जो इंडस्ट्री है, जो हमारा रिटेल कारोबार है, जो हमारा पूरा कारोबार है इंडिया में, वो हमारा है। और हमसे जो हमारा कारोबार छीन लिया गया था, हम उस कारोबार को वापस लाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और
हमें इस फील्ड में पूरा का पूरा जितने भी स्टेट्स की हम लोगों ने चर्चा की, मैं तो 5-6 स्टेट्स में घुमा हूँ, खुद हमने अपने हाथों से काम किया है एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ माई अचीवमेंट। हमें थोड़ी कामयाबियाँ मिली है बट हम अपने परफॉर्मेंस से खुश हैं, मैं तमाम लोगों को उसके लिए शुक्रिया। तो फिर भी आपको क्या लगता है कि जो इतनी एक्टिविटीज कई सारे स्टेट में आपने किया है, तो क्या लगता है ये कारगर साबित होगा? क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चंस है, ये कुछ होगा नहीं, बहुत सारे जो हमारे फार्मेसिस्ट मित्र हैं जो बहुत दुखी हो जाते हैं चीज़ों को लेके, तो आप क्या इंश्योर देना था, इंश्योरिटी क्या देना चाहते हैं? रोहित, मैं आपको इंश्योरिटी नहीं, मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, आई डू बिलीव इन प्रैक्टिकल थिंग। मैं मोदी जी नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, ना मैं केजरीवाल हूँ, ना मुझे इलेक्शन लड़ना है, ना मैं कोई एश्योरेंस करता हूँ। सीधा एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, खास करके यूपी के लोग अगर मुझे देख रहे हैं या बाद में ये वीडियोज देखेंगे, अगर आपको चेंजेस देखना है ना, अगर आपको लड़ाई जीतनी है, अगर आपको लड़ाई सीखनी है ना, तो कभी यूपी होकर के आइए। गोरखपुर से लेके गाजियाबाद तक आपके नेटवर्क में कहीं ना कहीं फार्मासिस्ट होंगे, आपके फेसबुक से जुड़े होंगे, आपके व्हाट्सएप से जुड़े होंगे, आपके परिवार के लोग। गिव वन कॉल टू यूपी, पूरा नोएडा से लेके गोरखपुर तक आप किसी भी फार्मासिस्ट को एक ब्लैंक कॉल मिलाइए और उसको पूछिए कि आर यू प्राउड टू बी फार्मासिस्ट, वो जो जवाब देगा हमारा यूपी का लड़का, तब आपको वो गर्व का आभास होगा कि यूपी, मैं उस जगह की बात कर रहा हूँ कि आज से ठीक 2 साल पहले यूपी में फार्मासिस्ट को एक अभिशाप माना जाता था। यूपी में अगर किसी फार्मासिस्ट को की जो अहमियत थी, जो पिछले 2 सालों में जो ड्रामेस्टिक चेंजेस आए हैं, कि मैं अब तो बोल करके बताऊं कि एक एक लाइसेंस के ऊपर में 10, 20, 30, 40, 50 दुकानें तक खोल करके रखी थी, उसी यूपी को हमने, हमारे साथियों ने बतौर चुनौती ली, बंद है। मैं बताऊं कि यूपी में एक फार्मासिस्ट के ऊपर में एक लाइसेंस मिलता है एंड वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट। हम अपने डिमांड, हम जिस पे काम कर रहे थे, जीरो रेंटिंग, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, जीरो टॉलरेंस ऑन रेंटिंग, और उसको लेकर के हम काफी कामयाब हुए। और यूपी में तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि अगले आने वाले समय में यूपी देश का, हम लोग केरला को नाम लेते हैं कि केरला में सबसे नंबर वन फार्मेसी है वो यूपी होगी एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट यूपी। यूपी के लोगों पे पूरा भरोसा है, वो हमें ऐसा कर करके देंगे। चलिए विनय जी, तो दूसरी सवाल मेरा ये रहेगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे हैं फेसबुक से जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग डी फॉर्म है, बी फॉर्म, एम फॉर्म, पीएचडी, एम फॉर्म डी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनको किस तरह एक्टिविटली पार्टिसिपेट करना चाहिए जिससे फार्मेसी रेगुलेशन और जो भी हमारे जो जॉब क्रिएटिविटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, ताकि उनके लिए आए, वो कैसा उनको स्टेप लेना चाहिए ताकि फार्मेसी, क्योंकि सिर्फ अकेला आप लड़ोगे तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो आप उनको किस तरह के, किस तरह आप उनको इन्वॉल्व करेंगे जो आप एक्टिविटी करते हैं, और उनको क्या आगे, क्या उनके लिए कुछ प्लान है जो ताकि वो इंश्योर रहे अपने करियर को लेकर, क्या है कि बहुत सारे इनके करियर का कंसर्न रहा है जी, क्योंकि इतने पढ़ाई, इतनी टाइम वेस्ट करने के बाद यदि उसके बाद यदि कुछ मिलता नहीं हासिल, तो उनको किस तरह उनको अपने स्टेट या एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो उनको थोड़ा सा 2-4 लाइन उनको सजेस्ट दो, क्योंकि बहुत ये कंसर्न है हमारे सबसे मित्र जो है मास्टर जो हाईली क्वालिफाइड हैं, तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके लिए आप कुछ स्टेप दो ताकि वो आगे कुछ अपने स्टेट में या किस तरह अवेयरनेस फैलाएं, ताकि एक फार्मेसिस्ट का जो एक जो नज़रिया है लोगों को देखने का वो थोड़ा बदले। रोहित, मैं बताऊं कि हमारे देश में जॉब की कोई कमी नहीं है। अगर मुझे लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट, मैं बताऊं हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं है, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं है। हमारे देश का फार्मासिस्ट अगर कहता है कि अगर वो बेरोजगार है, तो मैं इस बात को कभी सीरियसली नहीं लेता। सही बात कि इतना बड़ा सेक्टर, मैं बताऊं कि हमारे पास 8.5 लाख मेडिकल स्टोर्स हैं, हम लोग 8.5 लाख लोग मेडिकल स्टोर है, और हमारे इंडिया में ऑन रिकॉर्ड केवल 10 लाख फार्मासिस्ट हैं, 10 लाख फार्मासिस्ट है, 8 लाख मेडिकल स्टोर है, तो बाकी क्या, बाकी के इसका मतलब है कि 2 लाख ही रिटेल या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या एजुकेशन सेक्टर में है। वॉट अबाउट द हॉस्पिटल, इंडिया में इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, हमारे पास जॉब की कहीं कोई कमी नहीं है। अगर कहीं कमी है तो वो अदर साइड में है, गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट की मंशा में है। रोहित, आज भी मुझे लगता है कि अगर मैं कहूँ कि मोर देन 70% से अबव गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में फार्मासिस्ट नहीं है। सही, अगर रूल्स रेगुलेशन की बात करें तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फार्मासी एक्ट, सेक्शन 42 जो हमारा कहता है कि बिना फार्मासिस्ट के आप दवाइयां नहीं बांट सकते, तो ये जो 75% मेडिकल स्टोर्स और उतने ही
गवर्नमेंट जो सेटअप बनाया है, गवर्नमेंट ने वो बहुत खूबसूरत खूबसूरत अस्पताल बनाया है, बहुत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए हैं, एम्स बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, वो डॉक्टर्स रखते हैं। हमारे गवर्नमेंट का मेजर कंसर्न क्या होता है कि वी नीड डॉक्टर फर्स्ट, एंड द सेकंड कंसर्न होता है उनका नर्सेस फर्स्ट, देन लैब। हमारी गवर्नमेंट को सब कुछ याद रहता है और वो हमारी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट भूल जाती है। आप अभी रायपुर की बात करो कि रायपुर में इतना बड़ा एम्स बनाया है, वो हमारे जो दिल्ली में एम्स है, यहीं बाजू में हम लोग जिस बात कर रहे हैं, उससे 5 गुना 6 गुना ज़्यादा बड़ा है। छत्तीसगढ़ के डॉक्टर्स भी अगर उस एम्स अस्पताल में ज्वाइन कर ले तो भी हमारे पास काफ़ी जगह होगी वहाँ डॉक्टरों की। तो अस्पताल बनाने से नहीं होगा, व्यवस्थाएं ठीक करनी पड़ेगी। जो हम लोग फार्मेसी एक्ट की बात करते हैं, फार्मेसी एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारी गवर्नमेंट पूरी तरह से नाकाम रही है। हम वही है कि हम लोग ने यूपी में कुछ कोर्ट केसेस जीते, हम लोगों ने केरला में कुछ कोर्ट केसेस जीते हैं हम लोगों ने। तो अब हमारी कोशिश है कि एक लीगल सेक्शन बना करके हम लोग दिल्ली में बहुत जल्दी एक लीगल टीम बना रहे हैं, जो कि ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि हर स्टेट में जा करके आने वाले उनको उनकी ऐसी स्टेट एसोसिएशन जो है उनके साथ कोऑर्डिनेट करेगी, उनको हेल्प करेगी। बिल्कुल सही है। और जो जॉब सेक्टर की बात कर रहे हैं कि हमारे पास जॉब की कमी है, मैं नहीं मानता कि कहीं कोई कमी है, हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, एंड मोर ओवर कि ये जितने भी मेडिकल स्टोर चल रहे हैं महाराष्ट्र में, लोग मेडिकल स्टोर में जॉब करते हैं, उनको अच्छी सैलरी मिलती है। सिमिलर टू इधर केरला की, केरला में हमें जॉब मिलता है, केरल में लोग 20,000-25,000 रुपए दे करके रिटेल में जॉब करते हैं। हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। ठीक है, प्रगति जी का मैसेज है कि वो 10,000 से एवब सैलरी नहीं है मेट्रो सिटी में, तो क्या आपको क्या लगता है कि इनको क्या आप बताना चाहिएगा? प्रगति, आई सॉ योर कंसर्न, आपने लिखा है कि 10,000 से एवब सैलरी नहीं है, आपने ये लिखा, ये दिस पर्सनली आई एम टेकिंग एज ए चैलेंज। आई डोंट नो कि किस मेट्रो सिटी की बात कर रही हो, बट मैं बताऊं कि मुंबई में अभी रिसेंटली मैं गया था, तो मुंबई में अब भी 20,000-22,000 रुपये सैलरी मिलते हैं। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिल्ली, हैदराबाद एंड चेन्नई, तो वी विल डू कंटिन्यू था, अगले एक साल और हम लोग जम के काम करेंगे तो वहाँ भी सैलरी बढ़ेगी और निश्चित तौर पर। एंड डोंट यू वरी अबाउट 10,000, 15,000 and 20,000, वी आर गोइंग ऑन 32,000। हमने प्रोजेक्ट किया कि हर एक मेडिकल स्टोर इंडिया के किसी भी कोने में अगर मेडिकल स्टोर ओपन हो और वहाँ पे फार्मासिस्ट रहते काम करे तो उसे कम से कम 32,000 रुपये सैलरी मिलनी चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट 2018, मैं 2018 की बात कर रहा हूँ। ये नेक्स्ट ईयर वी विल टॉक फर्दर कि हम देखेंगे कि हमें कितनी सैलरी चाहिए, वो हमारे ऊपर है, ये व्यापारियों के ऊपर हमने नहीं छोड़ा, हम क्या सैलरी लेंगे वो हम तय करेंगे, व्यापारी तय नहीं। प्रगति जी, ये जो आपने बोला है 10,000 का, ये जरूरी नहीं है कि फार्मा सेक्टर में ही है, हर सेक्टर में है, बट आपको इनिशिएट कहीं से करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब इनिशिएट करोगे तो डे टू डे आपकी तभी अपडेट होगी सैलरी। तो कभी कभी होता है कि किसी को सैलरी अच्छी मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती है, तो आप स्टार्ट करो, इनिशिएट करो, डोंट थिंक अबाउट सैलरी। यदि इनिशिएट करना है तो आप सैलरी की परवाह ना करते हुए जब स्किल्स की सेकेंड को हमारी दूसरी आपसे क्वेश्चन है कि ये जो रेंटिंग की है कि कैसे रेंटिंग सिस्टम को इंडिया में खत्म करना चाहिए, तो इसके बारे में आप थोड़ा लोगों को बताइए। रोहित, थैंक यू फॉर योर कंसर्न कि रेंटिंग एक इज ए मेजर कंसर्न। मैं जो लोग मेरे साथ काम कर चुके हैं, जिन लोगों के साथ अब तक हम लोगों ने काफी काम किया है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड है, दोज आर क्लोज टू मी, आई कैन सी चंदन, हाई चंदन, तो रेंटिंग इज अ मेजर कंसर्न।